नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब ढूंढना है। देश में तरह तरह के न्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन का 100वां दिन आज पूरा हो रहा है और उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार ने कुछ नहीं सुना है। और एमएसपी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने मिनिमम वेजेज तय किया था, यानी कम से कम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। और अनस्किल्ड, यानी जिसको कुछ नहीं पता, जो हेल्पर का काम करेगा, जिसको कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है, उसको 400 रुपये रोज मिलेगा। और जो स्किल्ड हैं, यानी जो अच्छा काम करना जानते हैं, मतलब टेक्निकल रूप से काफ़ी परफेक्ट हैं, उनको 528 रुपये। सेमी स्किल्ड को 450 कर दिया गया। इस तरह से बना दिए गए स्लैब को कि मजदूरों को मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर सर्वे किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों के बारे में बता दूं कि आने वाला 2022 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, ये पूरे के पूरे किसान किसके तरफ जाएंगे, हम कंफ्यूज हो गए। हो सकता है कि आप हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि राकेश टिकैत जी के साथ बहुजन समाज के तेजतर्रार जो नेता है चंद्रशेखर आजाद रावण, वो खड़े होते हैं, समर्थन में पहुंचते हैं और एक न्यूज बनती है कि पूरे किसान को जो है समर्थन कर रहे हैं रावण, और किसान रावण के साथ जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ। परंतु जो नीचे के जो बैठे हुए किसान हैं आंदोलन में, उसमें एक पूनम पांडे हैं जो काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो बहन मायावती को सपोर्ट कर देते हैं। और उन्होंने ये सवाल कर दिया कि जो मोटेरा स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बनाया गया है, जिसका नामकरण हुआ है, तो फिर ये सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पार्क हैं वहाँ बुत लगा दिए गए हैं मायावती जी के, और जो वहाँ पर हाथी खड़ा कर दिए गए हैं, इसका खर्चा बहन मायावती जी पे करें, तो क्यों मोटेरा स्टेडियम का खर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे करेंगे? अगर उनकी बुत लगी है तो इनकी भी तो बुत लग रही है, दोनों तो बुत लगाने वाले ही हैं, फिर फर्क क्या रह जाता है? ये सवाल कर दिया पूनम पांडे जी ने। किसानों ने कहा बहन मायावती जी का शासन अच्छा था। ये सारी बात हो रही है। कहने का तात्पर्य, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो जयंत चौधरी के साथ जाएंगे। तो किसान आंदोलन के बावजूद भी भले ही भाजपा को वोट ना जाए, लेकिन किसानों का वोट बट जाएगा, यूपी की जनता का वोट बट जाएगा। यह मूल प्रश्न है और इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में दीजिए। मैंने यह भी सर्वे किया है, जो बाजरे की कीमत है गांव में 11 रुपये किलो, और हम जाकर पता किए जो आटा पिसाई का जो मिल होता है वहां 2 रुपये किलो, 2.5 रुपये किलो, यही रेट है 1 किलो आटा पिसाई का। तो 11 रुपये में 2-2.5 रुपये और जोड़ दीजिए, यानी 13.5 रुपये। हम 15 रुपये मान लेते हैं आटा पिसाई और लगाकर और उसकी कीमत लगाकर, लेकिन बाजार में 120 रुपये किलो जो है बाजरे का आटा मिलता है, तो 115 रुपये कहां जा रहा है? ये मूल प्रश्न है और इसका भी जवाब हम ढूंढ रहे हैं। हम आपसे बताते हैं, जब भी गेहूं की बुआई होती है तो कम से कम 3 महीने के बाद वो फसल निकलती है, और जहां तक हमने बिहार में सर्वे किया, 1 बीघा में मैक्सिमम 10 क्विंटल गेहूं निकलेगा, और 15 रुपये किलो के हिसाब से 1500 रुपये क्विंटल होता है, तो 10 क्विंटल का 15,000 रुपये। और पहले ही हमने आपको बता दिया कि मजदूरों की जो मजदूरी मिनिमम 400 रुपये है, तो 1 महीने का 12,000। अब 12,000 की मजदूरी हो गई, जुताई हो गई, सिंचाई हो गई, बीज हो गया, और भी बहुत सारे खर्चे हैं। अगर कोई किसान मजदूर नहीं रखता है तो उसकी अपनी भी तो मजदूरी है, तो 3 महीने की मजदूरी उसका 36,000 रुपये हो जाता है मिनिमम सरकारी हिसाब से, और ऊपर से लागत खर्चे, तो कुल मिलाकर हमने जब कैलकुलेट किया तो हम 51,000 तक गए, और उसकी कीमत मात्र 15,000 रुपये। क्या यह घाटे का सौदा है?
मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है, भले ही आप तक खबरें ना आती हो, परंतु यह जो है पूरे विश्व में चल रहा है। और आनन फानन में स्पेन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, सरकारी ऑर्डर, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कीमत पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो कि कृषि प्रोडक्ट होगा। कहने का मतलब अगर 51,000 रुपये एक बीघा में खर्चा आ रहा है मजदूरी वगैरह जोड़कर, तो 15 क्विंटल यानी 10 क्विंटल गेहूं की कीमत भी 51,000 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह जुर्म है, उसको जेल भेजा जाएगा। इस तरह का कानून पास किया है स्पेन ने 20 फरवरी को। अब भारत में और विदेशों में, ये भी मैं बता देता हूं, विदेश के अंदर 2-5% तक लोग किसानी करते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में 65% लोग किसान हैं। तो यहां बहुसंख्यक है किसान, और देश की समृद्धि लाने में किसानों का अहम योगदान है। क्या यहां पर कानून लागू नहीं होनी चाहिए? आपको आश्चर्य तो तब होगा जब सरकारी आप RTI लगाएं, राइट टू इंफॉर्मेशन, और पूछें सरकार आपको देश में कितने बाघ हैं इसकी गिनती बता सकते हैं, संख्या बता सकते हैं, कितने शेर हैं इसकी संख्या बता सकते हैं, परंतु सरकार को यह नहीं पता कि देश में किसान कितने हैं। अगर आप पूछ दीजिए RTI लगाकर कि शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है इस देश में, शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या कितनी है, तो कह देंगे हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ये पूछ देंगे कि देश में हाथियों की संख्या कितनी है जो जंगल में फ्री घूम रहे हैं, तो उसकी संख्या ये बता देंगे। ये कौन सा सिस्टम है? पहले आपने सुना होगा कि जो मीडिया चैनल्स हैं इनको गोदी मीडिया कहा जाता, अब तो बड़े बड़े विद्वान ये कहने लग गए कि इस देश को 2 कोर्ट ने बर्बाद कर रखा है, काले कोर्ट ने और गुलाबी कोर्ट ने। मैं आपको इसका भी बारे में समझा देता हूं। काला कोर्ट कहने का मतलब न्यायपालिका और जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, और गुलाबी कोर्ट उसे कहते हैं जो न्यूज चैनल पर नाच नाच के सरकारी जो है बातें सुनाते हैं कि सरकार ने कहां कहां से तीर मारा है, ये गुलाबी कोर्ट वाले हैं। दोनों कोर्ट ने पूरा सत्यानाश फेर रखा है। कहने का तात्पर्य यह है पूरे देश के किसान MSP मांग रहे हैं, और वहां पर यह कह दिया जाता है कि पूरे देश के किसान को अगर MSP दे दिया जाएगा, अनाज खरीद लिया जाएगा, तो 17,00,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। क्या 17,00,000 करोड़ का अनाज खरीद कर उसमें आग लगाई जाएगी या उसको भी तो बेचा ही जाएगा? रही बात यह, कई किसानों ने तो यहां तक कह दिया कि हम जो है आलू और प्याज की जब सप्लाई करने पहुंचते हैं मंडी में, तो 4,000 रुपये ट्रक का किराया होता है, और वहां पर मंडी हमें कहती है तुम्हारा ट्रक का जो है माल 3,000 रुपये का है। अब 1,000 रुपये में कहां से दूं, किराया भी तो नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें? आपने सुना होगा बहुत जगह किसान प्याज को फेंक दिए, कई बार दूध को सड़कों पर गिराए गए, इस तरह से यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकल पाता है तो किसान क्या करे। अब रही बात ये, देश में मुट्ठी भर किसान जिनके 85 एकड़ जमीन है, बड़े बड़े जमींदार हैं, उनको दिखा दिखा कर एक बड़ी आबादी को आप कुचल तो नहीं सकते, क्योंकि पूरे देश के बारे में बताया गया है प्रत्येक किसान, अगर पूरे देश की गिनती किया जाए हर किसान के ऊपर 1,00,000 रुपये का कर्ज है, तो इनको MSP क्यों नहीं लागू किया जाए? और रही बात ये कि जैसे बहुजन समाज में भी बहुत सारे नेता हैं, किसान आंदोलन में सब के सब घुसे हैं, क्या ये किसान संगठित होकर किसी एक दल को चुनाव जिताएंगे या इनका भी वोट बिखर जाएगा कई दलों में और सब आपस में सिर फुटवल करेंगे, और लास्ट में फिर वही हाल होगा कि BJP सत्ता में आ जाएगी? आपका जो है कमेंट जानना चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है यह जानना चाहता हूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।